Hello everybody, welcome to the Selection Campus online portal. जैसा कि previous classes में आपने देखा कि हमने cover किया history के बारे में. पहली class अपने introduction की थी कि क्या कुछ अपन पढ़ने वाले हैं, इस चीज़ के बारे में देखा. Next class में देखा कि इतिहास का overview, देखा कि कैसे कैसे क्या क्या topic आने वाले हैं आगे time पे. आज आपके लिए cover करेंगे, last class में अपने complete किया था इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता देखा, सिंधु घाटी के बारे में पता किया, मिस्र सभ्यता, चीनी सभ्यता और मेसोपोटामिक सभ्यताएं, चार सभ्यताएं उस टाइम पे प्रचलित थी. आज अपन देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डीप में थोड़ा सा, सिंधु घाटी सभ्यता के. जैसा कि कल बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता और जो आप नाम सुनते हो हड़प्पा हो गई, मोहनजोदड़ो, इनमें कन्फ्यूज नहीं होना. सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, एक तरह की सभ्यता है कंप्लीट, और बाकी जो नाम आते हैं इसके अंडर में वो सारे के सारे नगर हैं. फॉर एग्जाम्पल आप भारत को लीजिए, भारत साम्राज्य है, भारतीय संस्कृति है. भारतीय संस्कृति के नगर कौन से हो गए, दिल्ली इसका नगर है, कलकत्ता नगर है, हैदराबाद, चेन्नई, बॉम्बे, ये सब क्या है, इसके एक नगर हैं. इसी तरह सिंधु घाटी ने बताया सभ्यता के कुछ एक नगर हैं आपके, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्हुदारो, कालीबंगन, राखीगढ़ी, बनवाली, लोथल और भी बहुत सारे छोटे छोटे एक टाइम पे डिस्कवर होते रहते हैं. कल बताया था डिस्कवरी कौन करता है इन चीज़ों की, आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट इसकी क्या करेगा, डिस्कवरी करेगा. आर्कियोलॉजिस्ट को हिंदी में पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है. और वो डिस्कवरी करके अपने इन्फॉर्मेशन किसको पहुंचाएगा, इतिहासकार को, हिस्टोरियन को अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा, ठीक है. वन बाय वन चलते हैं, नोट कीजिए. हड़प्पा के बारे में देखते हैं. हड़प्पा स्थल, ये पहला नगर खोजा गया था, पहला नगर यही खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का. और सबसे पहले प्रमाण यहीं से मिलते हैं कि कोई सिंधु घाटी सभ्यता नामक कोई उस टाइम पे सभ्यता थी. इतिहास अपने आप को दोहराता है. मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है. उस टाइम पे कुछ नगर थे, बिल्कुल आज के टाइम पे जो नगर हैं, और ईंटों से वो करते थे, अपने मकान बनाते थे, फ्रंट साइड में उनके मकान होते थे. सेम टू सेम आज के टाइम पे क्या है, आज भी अपना नगरीय सभ्यता है, ठीक है, इतनी टेक्नोलॉजी है. तो इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये भी प्रमाण मिलते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है. तो पहला नगर ये खोजा गया था, किसने खोजा था, 1921 के अंदर ये दयाराम सानी ने इस नगर को खोजा था. इसके बाद देखें ये है क्या, कहाँ पे, आज के टाइम पे देखें तो हड़प्पा स्थल पूछ लेते हैं कि हड़प्पा स्थल कहाँ पे बिलोंग करता है, तो ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में यहाँ से ये बिलोंग करता है, ठीक है. पाकिस्तान का अगर परफेक्ट नेम पूछे कहाँ से, माउंट मोगरी से, मोंटगोमरी नामक कोई स्थल है पाकिस्तान का, वहाँ से ये चीज़ें बिलोंग करती हैं. इसके बाद देखिए दयाराम सावनी और सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता अपनी सिंध नदी के ऊपर थी, आपको पता ही, ठीक है. अब बात करते हैं क्वेश्चन के आंसर कहाँ से आते हैं, इसके अंदर वस्तुएं पूछ लेते हैं, क्या क्या वस्तुएं मिली थी. तांबे के बर्तन मिलते हैं, तांबे के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, ये वस्तुएं क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तांबे के बर्तन कहाँ से मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिलते हैं, ठीक है. और यहाँ से सील मिलती है, सील, देखिए सील नया वर्ड है, सील होती क्या है, असल के अंदर किसी कोई पत्थर का कुछ ऐसा होता है, इसके ऊपर कुछ डिजाइन किया हो, ठीक है, कुछ मूर्ति टाइप बना दी या कुछ इस तरह की चीज़ें क्या होती है, सील होती हैं, ठीक है. ये सारी की सारी मिलती हैं. और एक चीज़ यहाँ से मिलती है, सवदाह की प्रथा, सवदाह करना मतलब जो शव है उसको दफना देना, ये सारी चीज़ें हड़प्पा स्थल से अपने को पता चलता है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं. सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, हड़प्पा स्थल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हड़प्पा स्थल को पहली बार खोजा गया था, ठीक है. इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा स्थल के नाम से भी जाना जाता है, ये बात आप ध्यान रखिए, नोट कर ले सकते हैं इसको. इसके बाद देखिए नेक्स्ट साइट देखते हैं, हड़प्पा स्थल हुआ, इसके नोट कर लीजिए. इसके बाद है मोहनजोदड़ो. अभी जो सारे करवा रहा हूँ ये नगर हैं उस सिंधु घाटी सभ्यता के, नगर बिलोंग करते हैं. हर एक नगर के बारे में खोज उसकी खुदाई होती रही, कुछ नए अवशेष मिलते रहे पुरातत्व विभाग को,
ठीक है। अगला देखिए मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदड़ो ठीक है, मोहनजोदड़ो दूसरा स्थल था आपका, इसके बाद टाइम के हिसाब से चेंजेस होते रहे। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं, मृतकों का टीला क्यों कहते हैं इसको ऐसा, क्योंकि जो शव है ना, शव दाह करने की प्रथा तो स्टार्ट हो चुकी थी सिंधु घाटी सभ्यता में, जैसे कि आज के टाइम पे मुसलमानों के, क्रिश्चियन के, इनको दब को शव को दफनाया जाता है ना, और अपने हिंदू धर्म में इनको अग्नि दी जाती है। तो ये शव दाह से क्या हुआ, गांव जैसे कि ये कोई नगर था, मोहनजोदड़ो नगर है, उसके थोड़ा सा साइड में जा करके शवों को दफनाया जाता है, जैसे आज के टाइम पे शमशान घाट होते हैं उसी तरह मोहनजोदड़ो के टाइम पे शमशान घाट भी था, तो इसीलिए मृतकों का टीला कहते हैं, वहाँ पे शमशान घाट होने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये है कहाँ, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, कहाँ किसने खोज की, 1922 के अंदर आर डी बनर्जी ने इसकी खोज की थी कि कोई मोहनजोदड़ो नामक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से बिलोंग करता है। ठीक है, ये है कहाँ पे लोकेशन, आज के टाइम पे लोकेशन देखें तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से ये बिलोंग करता है, सिंध प्रांत से बिलोंग करता है। ठीक है, ये कुछ मोहनजोदड़ो के बारे में। अब बात करते हैं इसके अंदर, एक चीज और ध्यान रखिए आप, यहां पर पत्थर का इस्तेमाल हुआ था, जली हुई इंटें हो गई, ठीक है, जिप्सम की जली हुई इंटों के बारे में पता चलता है। ठीक, जिप्सम में मोटार जिसको है ना, मोटार एक मिट्टी का टाइप है, मोतार की जली हुई इंटों से बने हुए मकान यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे जिप्सम जली हुई इंटों का प्रमाण कहाँ से मिलता है आप बताओगे, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे अवशेष क्या क्या मिलते हैं, अवशेष ये कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए कोई भी साइट पढ़ेंगे उसको उपनाम क्या है, उसका सन क्या है, डिस्कवर कब किया गया था, किसने डिस्कवरी की, ये चीज़ें ठीक है, और इसकी लोकेशन कहाँ है, आज के टाइम पे इसकी लोकेशन कहाँ पे, क्वेश्चन मैंने कल बताया था आपको, क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, मोहनजोदड़ो या फिर पाकिस्तान में बिलोंग करने वाले इन चारों में से कौन सा स्थल है, इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अवशेष की, अवशेष क्या क्या मिलते हैं, यहाँ पे स्नाना ग्रह मिलता है, महान स्नाना ग्रह मतलब क्या हुआ, पुल, आज के टाइम पे जो पुल है ना, इकट्ठे नहाते हैं, बड़ा सा पुल बना दिया उसके अंदर नहाते हैं, ये क्या है, महान स्नानागार है, वहाँ पर प्रमाण मिलता है इस चीज़ का। इसके बाद देखिए पानी की निकासी, ढकी हुई पानी की निकासी, ढकी हुई पानी की निकासी, ढकी हुई पानी की निकासी, जैसे आज के टाइम पे नलियाँ, गटर, सीवरेज, ये पाइप लाइन क्या है, ढकी हुई है, तो अभी हम बताया मैंने, इतिहास दोहराता है, सेम टू सेम आज के टाइम पे जो नगर हैं वैसे ही कुछ उससे मिलता जुलता नगर उस टाइम पे भी हुआ करते थे। ठीक है, इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में कुछ चेंजेस आए, कुछ आपदाएं आई और वो नगर नष्ट हो गए और फिर से दोबारा वो नगर उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, ये कुछ एक चीज़ें थी, और देखिए इसके अंदर क्या मिलता है, संयुक्त घर मिलते हैं यहाँ पे, संयुक्त घर का मतलब क्या हुआ, इकट्ठे घर, इकट्ठे किए हुए, मतलब अच्छे से मैनर के अंदर बनाए हुए घर, लाइन के अंदर बनाते, रोड है, रोड के जैसे हुए मकान है आसपास में। ठीक है, ये सारे संयुक्त घर थे, और यहाँ पे सील तो हर जगह मिलती है, सील हर जगह मिलती है। एक चीज़ यहाँ से देखने के, पशुपति की मूर्ति मिलती है यहाँ से, पशुपति की मूर्ति, और पशुपति किसको बोलते हैं, भगवान शिव को मानते हैं पशुपति। और यहाँ से इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन का ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस भगवान की पूजा करते थे, शिव भगवान की पूजा उस टाइम पे करते थे, ये ऐसा मानना है, प्रूफ नहीं मिलते हैं इस चीज़ के, ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है। एक चीज़ आप समझिए, हिस्ट्री के अंदर कोई परफेक्ट चीज़ नहीं मिलती, अंदाजे से सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हिस्टोरियन क्या करेगा, कहानियाँ बना दी, पुरातत्व आर्कियोलॉजिस्ट है वो क्या करेगा, कोई वस्तु मिली रेडियो कार्बन C14 से, वो टाइम का पता लगाएगा कि ये वस्तु कितनी पुरानी है। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, वो टाइम को पता लगा करके वो चीज़ इतिहासकार को भेज देगा, इतिहासकार क्या करेगा, कुछ लिखित में चीज़ें मिली हैं उन चीज़ों को पढ़ेगा कि ये वस्तु किस टाइम से बिलोंग कर रही है, दोनों को कंबाइन किया, इतिहासकार और पुरातत्वविद दोनों क्या हैं, इतिहास के जासूस हैं, वो अपने सामने दोनों मिला करके एक कहानी पेश कर देंगे अपने सामने कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। तो बहुत सारी कहानियां हैं इसमें, ये डाउट मत होना, कल ही ऐसा हुआ
कुछ डेट में मिसप्रिंट हो जाता है, मिसप्रिंट नहीं होता असल के अंदर, कुछ डेट में डिस्प्यूट मिलता है 100-200 साल। अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूँ, कुछ बुक्स के अंदर 2200 दे रखा है, 2200 BC से स्टार्ट हुई, कईयों में 2300 दे रखा है, कईयों में 2250 दे रखा है। तो ये अप्रोक्सीमेट डेट आती है, और अप्रोक्सीमेट डेट से ऐसा नहीं है कि एग्जाम के अंदर आपको अप्रोक्सीमेट डेट पूछ लेंगे। भी चार ऑप्शन दे दिए सिंधु घाटी सभ्यता कितनी साल पुरानी है, तो चारों ऑप्शन आपको सेम मिलेंगे, कुछ एक चेंज मिलेगा था। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मेरा आंसर कहाँ से जाके क्लिक करेगा, ठीक है। सॉरी। अब देखिए, पशुपति की सील मिलती है, यहाँ पे एक चीज़ और मिलती है, नाचती हुई लड़की की मूर्ति मिलती है, डन सिंगल नाचती हुई लड़की की एक मूर्ति मिलती है, जो कि तांबे या मिट्टी से बनी हुई होगी, शायद उसकी बनी हुई होगी, ठीक है। तो इतिहास के अंदर कोई भी प्रूफ नहीं होता, सिर्फ कहानियाँ पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे शायद बोल दूँ या फिर शायद ना भी बोलूँ बाई चांस, तो आप इसको इस चीज़ को मत समझिए कि मैं प्रूफ के साथ चीज़ें बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रूफ होते हैं, बुक्स के अंदर जो चीज़ें लिखी होती हैं वही अपन सच मानते हैं, जो अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम उस चीज़ को फॉलो करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट करते हैं अपन, यहाँ पे एक चीज़ और मिस रहेगी, डांसिंग गर्ल साथ में दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति, दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति, दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति भी यहीं से मिलती है, ठीक है। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ये सारी चीज़ें। महान स्नानागृह मतलब पूल, आज के टाइम पे ढकी हुई पानी की निकासी, आज के टाइम का सीवरेज सिस्टम, संयुक्त घर जैसे कि आज के टाइम पे बने हुए हैं, पूरा अगर गांव है तो गांव के बाउंड्री के अंदर ही घर होंगे, ठीक है। जो घर बनाया जाता है वो भी पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर बनाए जाते हैं, ये संयुक्त घर। सील मैंने बताया, पत्थर के ऊपर कुछ चीज़ें बनाई हुई। पशुपति की मूर्ति, पशुपति को मानते हैं कि शायद वो भगवान शिव से रिलेट करते हैं, और इसी से इनडायरेक्टली पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शायद भगवान शिव की पूजा करते होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, डांसिंग गर्ल नाचती हुई लड़की की मूर्ति मिलती है, मतलब वो कुछ एंटरटेनमेंट के अंदर भी बिलीव करते थे, हर चीज़ से मतलब निकाला जाता है, कोई चीज़ मिलती है। दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति मिलती है, ठीक है। ये कुछ एक चीज़ें थी जो कि मोहनजोदड़ो साइट से प्राप्त होती हैं। अब ये मोहनजोदड़ो साइट भी आपके सिंधु घाटी से सिंध नदी के ऊपर ही है, ठीक है। थोड़ा सा डीप में देखें तो पाकिस्तान के अंदर कौन सी नदी बहती है, सिंध नदी। मोहनजोदड़ो भी सिंध नदी पे और हड़प्पा भी सिंध नदी के ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों पाकिस्तान के अंदर साइट हैं दोनों की। क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगन साइट के बारे में देखते हैं। कालीबंगन को खोजा कब गया था, 1953 में, किसके द्वारा, ए घोष के द्वारा, ए घोष। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सभी के अंदर मिलेगा आपको, सभी साइट के अंदर इस चीज़ के बारे में पता चलेगा, ठीक है। ये है कहाँ पे असल के अंदर, ये कहाँ से बिलोंग करती है प्रेजेंट टाइम में, राजस्थान के, ये इंडिया में ही है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में ये साइट का प्रमाण मिलता है, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद देखिए, इसके अंदर ना दो तीन थे, ए घोष थे, बी के लाल भी थे इसके अंदर साथ में मिले हुए थे, बी के लाल, ठीक है, बी के लाल भी इसके अंदर इंक्लूडेड थे। कालीबंगन के बारे में हुआ, ठीक है। ये कौन सी नदी की, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन सी नदी बहती है, गग्गर नदी अपनी यहाँ से हिमाचल से निकल करके हरियाणा में होती हुई कुछ एक पंजाब में होकर के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ख़त्म हो जाती है, तो गग्गर नदी के ऊपर ये कालीबंगन साइट का पता चलता है, ठीक है। इसके बारे में इतना ही पूछता। अब इसके बाद करते हैं अवशेष क्या क्या मिलते हैं। अवशेष, अब ये राजस्थान से बिलोंग करता है तो सबसे पहली बात है, राजस्थान में ऊँट ज़्यादा होते हैं, याद करने की चीज़ें, ऊँट की हड्डियों के अवशेष मिलते हैं। दूसरी बात, खेतीबाड़ी, ये कृषि के सबसे पहले जो अपने पुरातत्व मिलते हैं ना, सबसे पहले अवशेष मिलते हैं वो कालीबंगन से ही, कृषि के बारे में सबूत यहीं से मिलते हैं, ठीक है। जौ की खेती किया करते थे ये, यहाँ से जौ की खेती होने का प्रमाण मिलता है।
ठीक है, ये कुछ एक वस्तु थी। और क्या हुआ था यहाँ पे, लेकिन मोहनजोदड़ो में अपन ने देखा कि पानी की निकासी, ढकी हुई पानी का निकासी का प्रावधान था, लेकिन कालीबंगन में ऐसा नहीं था, पानी की निकासी का कोई प्रावधान नहीं था। नोट करने की चीजें हैं ये, पानी की निकासी का कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, एक चीज और, यहाँ पे कालीबंगन को तीन गढ़ के अंदर बांट रखा था, तीन गढ़, जैसे आज के टाइम पे मैं बताऊं सेक्टर वाइज, किसी हम नगर को या किसी शहर को सेक्टरों में बांट देते ना, सेक्टर 1, 3, 14, 16, ऐसे करके कालीबंगन को तीन सेक्टर के अंदर बांट रखा था। उसका नाम था उच्च, मध्य और निम्न। तो कालीबंगन को तीन गढ़ के अंदर, इसको कालीबंगन सेक्टर नहीं बोलेंगे, गढ़ बोलेंगे, तीन गढ़ में बांट रखा था। और इसी तरह पिछली जो साइड थी मैंने मोहनजोदड़ो उसकी, उसको दो गढ़ के अंदर बांट रखा था। ठीक है, कालीबंगन को तीन गढ़ में बांटा हुआ था। इसके अंदर और क्या है, भूकंप के संकेत मिलते हैं, भूकंप कि भूकंप आया होगा यहाँ पर, इस चीज के संकेत मिलते हैं। और यहाँ पे आग जलाने के अवशेष मिलते हैं, आग जलाने के अवशेष। अब आग से ही यहाँ पे डाउट मत होना, आग की खोज पाषाण युग के अंदर हो चुकी है। आग की खोज कहाँ हो चुकी है, पाषाण युग में, 20,000 साल पहले, आज से 20,000 साल पहले की बात करें तो। ठीक है, और अगर डीप में देखना है तो आपको कुरनूल की गुफाएं हैं, पाषाण युग से बिलोंग करने वाली कुरनूल, कुरनूल की गुफाएं, कुरनूल की गुफाएं हैं। ठीक है, और ये गुफाएं कहाँ पे है, ये आपकी है आंध्र प्रदेश में, कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। और ये पूरा पाषाण युग का एक स्थल है कुरनूल की गुफाएं। यहाँ पर राख के पर संकेत मिलते हैं, राख के अवशेष मिलते हैं, तो वहीं से पता चलता है कि पाषाण युग से शायद आग का आविष्कार हुआ होगा। यहीं से बिलोंग करते हुए एक और बात करते हैं, पहिए का आविष्कार कहाँ हुआ, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पहिए का आविष्कार कौन से युग में हुआ। चीज़ों को रिलेट करना सीखिए, जैसे कि मैंने बताया नवपाषाण युग के अंदर कृषि खेतीबाड़ी करना स्टार्ट हो चुकी थी, तो जब खेतीबाड़ी स्टार्ट होती है, लोग समझने लगे चीज़ों के बारे में, तो उसी टाइम पे ही आपका पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार कहाँ हुआ, नवपाषाण युग में, नवपाषाण युग या फिर नियोलिथिक एज में, इंग्लिश में इसको बोलेंगे नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज के अंदर पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक, कालीबंगन की बात करे थे, यहाँ पे भूकंप का पता चला, आग जलाने के अवशेष मिलते हैं। तीसरी चीज मिलती है यहाँ से, यहाँ से मिलते हैं आपका आक्रमण को तैयार, आक्रमण जैसे कि कोई सांड है, आज के सेक्स नाम सुना होगा आपने, जो ये शेयर बाजार के अंदर यूज होता है, तो ये आक्रमण को तैयार जो सांड होता है ना, उनका जो कुछ लोगो है, इसी तरह का कुछ डायग्राम यहाँ पे मिलता है, यहाँ पर मूर्ति मिलती है, आक्रमण के लिए तैयार सांड की मूर्ति, आक्रमण के लिए तैयार सांड की मूर्ति कहाँ से मिलती है, कालीबंगन से इस चीज़ के अवशेष मिलते हैं। और कृषि के बारे में देख लिया अपन, कृषि की पद्धति के बारे में पढ़ने को पता चलता है जो कि खेती वो किया करते थे। नेक्स्ट देखते हैं साइड, अपन आते हैं धोलावीरा के बारे में, धोलावीरा नोट कीजिए, धोलावीरा ये अपनी कौन सी साइट है, ये आपकी तीसरी साइट है। ठीक है, और इसने खोज की, ये कब हुआ था, 1990-91 के बीच में इसकी खोज की गई थी, और किसके द्वारा, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा, रविंद्र बिष्ट, आरएस बिष्ट जिसको बोलते हैं, रविंद्र बिस्ट, इसको आरएस बिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, 1990-91। और ये एरिया कहाँ पे बिलोंग करता है आज के टाइम पे, गुजरात का कच्छ जिला, कच्छ, गुजरात में दो साइट मिलती है आपकी, एक तो क्या कौन सी, धोलावीरा और एक लोथल साइट, लोथल साइट पे बंदरगाह है, और धोलावीरा आपको थोड़ा सा बीच के अंदर मिलेगी गुजरात में। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और चीजें क्या है, पानी की निकासी का प्रावधान है, पानी की निकासी का प्रावधान यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज क्या मिलती है, इंपॉर्टेंट है, सांकेतिक चिन्ह मिलते हैं, सांकेतिक चिन्ह, जैसे कि आज के टाइम पे रोड पे जाते हो तो आपको इधर मुड़ना है, बाईं मुड़ना है, आगे ब्रेक करें, इस तरह के जो चिन्ह मिलते हैं ना, वो सांकेतिक चिन्ह कहाँ से मिलते हैं, धोलावीरा साइड से मिलते हैं। और यहाँ पर पानी जमा करने का प्रावधान,
पानी जमा करने का स्टोर हाउस। पानी जमा करने का स्टोर हाउस कहाँ से प्राप्त होता है? धोलावीरा से। देखो मेन मेन चीज़ थी मैंने आपको बता दी, पहली साइट आपकी हड़प्पा, हड़प्पा के बारे में देखा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, इसके बाद कालीबंगन, ये तीन साइट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। अगर डीप में क्वेश्चन जाएगा धोलावीरा पूछेगा, धोलावीरा के बाद देखते हैं अपन इंपॉर्टेंट लोथल साइट, लोथल भी इंपॉर्टेंट साइट में से एक है। नेक्स्ट नोट कीजिए लोथल के बारे में, ठीक है। लोथल साइट के बारे में देखिए, लोथल को खोजा गया था 1955 से 62 के बीच का टाइम है, इसको पहले किसी ने खोजा और बाद में इसकी खुदाई स्टार्ट की गई थी, ठीक है, 1955 या फिर 62 का इसी का टाइम है। इसको खोजा गया था रंगनाथ राव के द्वारा, रंगनाथ राव, लोथल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये गुजरात का, ये गुजरात से बिलोंग करती है। और लोथल साइट क्या है, गुजरात जो एरिया ना अपना इधर वाला साइड वाला, इधर समुद्र वाला एरिया, यहाँ से ये चीज़ बिलोंग करती है। तो यहाँ पे क्या है, समुद्र है, समुद्र के पास में एक तालाब था यहाँ से बना हुआ, वहाँ पे आके इनकी जो नावें थी वो रुकती थी और वहीं से सारा का सारा व्यापार होता था। तो लोथल क्या है, एक तरह का बंदरगाह है, लोथल एक बंदरगाह वाली साइट है, यहाँ पर बंदरगाह के बारे में पता चलता है, ठीक है। इसके बारे में देखिए कौन सी नदी पर बिलोंग करता था, ये भोगवा नदी, भोगवा नदी के ऊपर था, भगवान नदी के ऊपर लोथल साइट होने का प्रमाण मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चीज़ों के बारे में पता चलते हैं, यहाँ पर क्या था, फॉर एग्जांपल ये आपकी रोड है, ठीक है, ये मेन रोड होगी निकलने की, तो यहाँ पर जो मकान बने हुए थे इनकी एंट्री फ्रंट साइड से थी, फ्रंट साइड मतलब रोड है उसी के पास में इन मकानों की एंट्री हुआ करती थी, लेकिन बाकी जो साइट्स थी उनके अंदर रोड ये हैं और मकान ये है, तो इनकी एंट्री कहीं साइड से थी कहीं के पीछे से एंट्री थी, लेकिन सिर्फ लोथल साइड से ये प्रमाण मिलता है कि घरों की एंट्री फ्रंट साइड से थी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लोथल साइड को लेकर के, इसके बारे में आप ध्यान कर लिए। दूसरी चीज़ बंदरगाह, मैंने आपको बताया बंदरगाह किस चीज़ के लिए होते हैं, व्यापार करने के लिए, तो लोथल साइट आपके व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थी, ठीक है। और सिर्फ ये जो फ्रंट साइड घरों सिर्फ लोथल साइड में था, ऐसा कुछ लोथल की जो साइट थी सिर्फ वहीं पे ही फ्रंट साइड एंट्री का प्रावधान था, बाकी साइड्स में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे और क्या मिलता है, चावल के छिलके को अलग करने की पद्धति का पता चलता है, यहाँ पर चावल के छिलके को अलग करने की पद्धति, चावल के छिलके को अलग करने की पद्धति का यहाँ से पता चलता है। और यहाँ से दफनाने की प्रक्रिया तो आपको हड़प्पा से भी मिली हो और मोहनजोदड़ो और यहाँ पे लोथल से भी, दफनाने की प्रक्रिया और गोदाम का यहाँ से प्रमाण मिलता है, ध्यान रखना गोदाम होते हैं अनाज को सेव करने वाले, स्टोर हाउस, तो गोदाम का प्रमाण कहाँ से मिलता है आपको, लोथल के अंदर, लोथल साइट में आपको इस चीज़ के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखते हैं चानहुदारो के बारे में, चानहुदारो साइट, लोथल से इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, चावल के छिलके को अलग करना, फ्रंट साइड से एंट्री काफी इंपॉर्टेंट है, और लोथल क्या है, एक बंदरगाह है, व्यापार करने के लिए काफी प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था। इसके बाद देखिए चानहुदारो के अंदर, चानहुदारो कब खोजा गया था, 1931 में इसको खोजा गया था आपका मजूमदार के द्वारा, गोपाल मजूमदार करके नाम था, गोपाल मजूमदार के अंदर मजूमदार ने इसको खोजा था। और ये बिलोंग कहाँ से करता है, ये भी आपका पाकिस्तान के अंदर साइट है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, ठीक है, सिंध प्रांत से ये बिलोंग करती है चानहुदारो। कुछ एक चीज़ें सिर्फ इतनी सी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, अब बात करते हैं यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, चूड़ियों के बारे में यहाँ से पता चलता है, चूड़ियों की फैक्ट्री, चूड़ियों की फैक्ट्री यहाँ से पता चलती है, चूड़ियाँ बनाने का काम, मक्के की फैक्ट्री मिलती है,
मक्का फैक्ट्री, मतलब कुछ जो कुछ कारखाने थे वो सारे सारे चानाहो दरों से आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बारे में इतना ही कुछ इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट साइट लिखिए रोपड़ के बारे में। नेक्स्ट है रोपड़। रोपड़ नाम आपने सुना होगा, पंजाब से बिलोंग करता है, ये भी इंडिया में है। ठीक है, और इसको यज्ञदत्त करके कुछ नाम था, यज्ञदत्त शर्मा उन्होंने खोजा था। यज्ञदत्त शर्मा 1953 या 57 के आसपास की ये बात है। ठीक है, 1953 या 57 के बीच में इसको खोजा गया था। ठीक है, पंजाब का रोपड़ है। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट मिलती है, सिर्फ एक ही चीज़ खास की चीज़ें हैं, मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने का अवशेष। कुत्ते के अवशेष मिलते हैं, मतलब कि वो कुत्ते को भी पालतू जानवर मानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पालतू जानवरों से काफ़ी ज़्यादा लगाव था और कुत्ता पालतू जानवर की कैटेगरी में आता था। ठीक है, मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने का प्रमाण आपको रोपड़ से मिलता है। ये कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। इसके बाद देखिए बनवाली साइट के बारे में देखते हैं। इसको बनवाली बोलते हैं, बनमाली भी बोलते हैं, बनमाली भी इसको बोलते हैं। ये साइट आपकी हरियाणा से बिलोंग करती है, हरियाणा का हिसार जिला, हरियाणा का हिसार जिले से बनमाली आपकी साइट बिलोंग करती है। इसको कब खोजा गया था? इसको खोजा गया था 1974 के अंदर। किसके द्वारा? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा, आर एस बिष्ट के द्वारा, आर एस बिष्ट के द्वारा 1974 के अंदर इसको खोजा गया था। अब देखिए यहाँ पे क्या कुछ मिलता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, माँ देवी की मूर्ति। माँ देवी की मूर्ति, और इसी से माँ देवी की जब मूर्ति मिलती है यहाँ से पता चलता है कि माँ की काफ़ी ज़्यादा इज्जत हुआ करती थी और वो देवी माँ की पूजा करते थे। ठीक है, और यहाँ पे जौ की खेती होने के प्रमाण मिलते हैं। जौ की खेती राजस्थान के पास में है, तो जौ की खेती राजस्थान की कौन सी साइट थी? रिवाइज कीजिए साथ के साथ, कालीबंगन साइट कहाँ से थी? राजस्थान से थी। ठीक है, तो जौ की खेती के प्रमाण भी आपको यहीं से ही मिलते हैं। ठीक है, माँ देवी मिट्टी के खिलौने भी यहीं से मिलते हैं। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ जो नहीं पूछते, जो मिट्टी के खिलौने क्या है, हर साइट में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कॉमन है, तो वो चीज़ नहीं पूछते हैं एग्जाम के अंदर। सील्स होगी, सील्स कॉमन है, वो नहीं पूछते। यहाँ से पूछ सकते हैं माँ देवी की मूर्ति के बारे में। ठीक है, जो कि खेती कॉमन है कालीबंगन और दोनों के अंदर, इसके बनवाले के अंदर। यहाँ पर मिट्टी के खिलौने भी आप नोट कर सकते हैं, मिट्टी के खिलौने यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, ये कुछ थे आपके सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ एक साइट्स, साइट्स मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के नगर। कुछ एक बेसिक चीज़ देखिए, कुछ एक पुरातत्व के जो एरिया है ना, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पुरातत्व की पहली साइट क्या है, पुरापाषाण काल की, सॉरी, ये तो थी सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स। ठीक है, एक पॉइंट लिखिए आप, पाषाण काल की साइट या फिर पुरापाषाण काल की साइट, पुरापाषाण काल के स्थल, पूरा पाषाण काल के स्थल, ये ठीक है, ये आप इसको नोट कीजिए। पहला था आपका भीमबेटका, भीमबेटका स्थल। ठीक है, इंडिया से ही, इंडिया की चीजें बता रहा हूँ सिर्फ मैं, बाकी वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा। इंडिया में जो स्थल हैं पूरा पाषाण काल के, मतलब जो आदिमानव थे, होमो सेपियंस जिनको बोलते हैं, वो उनके स्थल कुछ एक मिलते हैं। भीमबेटका आपका अप्रोक्सीमेट एमपी के अंदर, आज के टाइम पे एमपी से बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हुसंगी, हुसंगी स्थल है, हुसंगी स्थल आपका कर्नाटक से बिलोंग करता है, आज के टाइम पे कर्नाटक से। और तीसरा है कुर्नूल की गुफाएं, जहाँ से क्या मिलता है, आग का प्रमाण मिलता है, राग का प्रमाण मिलता है। और कुर्नूल की गुफाएं कहाँ पे है? अप्रोक्सीमेट आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, कुर्नूल की गुफाएं से आग के आविष्कार का पता चलता है, यहाँ से राख के अवशेष मिलते हैं। ये तीन स्थल कौन से हैं? पुरापाषाण काल के हैं। क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें से भी। ठीक है, एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए कि जो पिरामिड है, पिरामिड का आपने देखा होगा, प्रिज्म जैसी आकार का होता है पिरामिड, तो पिरामिड कौन सी सभ्यता से बिलोंग करता है? पिरामिड आपकी मिस्र सभ्यता से। पिरामिड कहाँ से बिलोंग करता है? मिस्र सभ्यता।
और ये डाउट रहता है कि पिरामिड ऐसा बनाया कैसे गया, इतनी टेक्नोलॉजी उनके पास कैसे आई, इतने भारी भरकम पत्थरों को इतना ऊंचे तक पहुंचाया गया। तो असल के अंदर पिरामिड बनाया क्यों गया था, इसका जवाब मिलता है आपको कि जो राजा महाराजा थे, कुछ सेवक सेविकाएं हो गई, उनके दफन को, उनके शवों को सुरक्षित रखा जाता था यहाँ पर पिरामिड के अंदर, उनके शवों को सुरक्षित रखा जाता था। और वो शव थे उनको सुरक्षित रख लिए, उसको क्या बोलते थे, मम्मी, मम्मी बोलते हैं उसको, मम्मी मोम वाली नहीं होती ये, मम्मी सब को बोलते हैं जो कि पुरानी वाली, पुराने सालों का कंकाल तंत्र मिलता है, कंकाल मिलता है ना, उन्हीं को मम्मी कहते हैं। काफ़ी सुरक्षित करके पट्टियों से लपेटा जाता है उनको, कुछ एक केमिकल यूज़ किया जाता था, काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे उस टाइम पे, इतिहास दोहरा रहा है, जितनी आज टेक्नोलॉजी है वैसे ही उस टाइम पे हुआ करती थी कुछ एक, ठीक है। तो मम्मी उतनी सेफ रहती है, आज भी मम्मियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो पिरामिड के अंदर क्या रखा जाता था, राजाओं के, कुछ सेवक सेविकाओं के, या कुछ जो इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करते थे उनके शवों को सुरक्षित रखा जाता था, और सुरक्षित शवों को क्या बोलते हैं, मम्मी कहते हैं। तो आज मेरे ख्याल से ये डाउट क्लियर हुआ होगा आपका कि मम्मी क्या होता है, और पिरामिड बनाया क्यों गया था, और ये किस वजह से बनाया गया था, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फेमस हस्तियां थी उनको सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है। आज की क्लास में आपके लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी। आज अपन ने क्या किया है, रिपीट करवा देता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखा, कौन कौन से नगर हुआ करते थे, शायद आपको कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा हड़प्पा साइट सिंधु घाटी सभ्यता में क्या डिफरेंस है, और ये जो नाम सुनते आ रहे हो हमेशा से मोहनजोदड़ो, चान्हुदारो, कालीबंगन, ये सब हैं क्या, और असल में सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इन दोनों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हिस्ट्री के अंदर क्या है, डेटों का कुछ ना कुछ डिस्प्यूट मिलता है, और जिन चीज़ पर डिस्प्यूट होगा वो आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बुक को फॉलो कीजिए, इंटरनेट के ऊपर मत जाइए, विकिपीडिया को कोई भी इंसान एडिट कर सकता है, बुक को भारत एजुकेशन सिस्टम फॉलो करता है। मोस्ट प्रोबेबली आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए जिसको यूपीएससी फॉलो करती है, ठीक है। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू।